दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों ये बहुत दुख की घड़ी है। मणिपुर आतंकवादी हमले में आईडी फटने से 4 जवान, राइफलमैन सुमन, राइफलमैन खटनेल कोनाई, राइफलमैन आरपी मीना, राइफलमैन श्यामलाल दास और इनके साथ इनके कमांडिंग ऑफिसर विप्लव त्रिपाठी, उनकी बीवी और उनके एक बेटे के साथ शहीद हो गए। ये सभी जवान 46 आसाम राइफल के थे। इस घटना की जिम्मेदारी पीएलए और एमएफपीएफ ने ली है। ये घटना मणिपुर के तुरा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट की है। दोस्तों कर्नल साहब जवान और कर्नल साहब का परिवार भी इस घटना में शहीद हुआ है। हम सैनिक मंत्रा परिवार की तरफ से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर शहीदों की आत्मा को शांति दे तथा उनके परिवार को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत और साहस दे। और सभी देशवासियों से निवेदन करते हैं कि बलिदान के इस रंग को व्यर्थ ना जाने दे। न जाने हमारे कितने शहीदों ने अपनी आहुति देकर हमें सुख से जीने का अवसर दिया है और देते आ रहे हैं। आपके आसपास कहीं भी ऐसी गतिविधियां घटने की संभावना हो तो उनकी खबर आप फौज को दे, फौज के लिए मदद करें। आपकी एक खबर से बहुत सारे जवानों को शहीद होने से बचाया जा सकता है। साथ ही सरकार से निवेदन है कि कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। सभी शहीदों को फिर एक बार तहे दिल से जय हिंद, नमस्कार।